नमस्ते सबको, आप सबको, मेरे जितने भी व्यूवर्स है, अभी समय में हमारा पानी जो बहुत बढ़ रहा है और बढ़ने के कारण अभी सुना ही मिला है कि पचुक जो हम लोग लोकल से बोलते थे भी और हिंदी से उसको बोलता है कि सोनामी, तो पानी जो बहुत खराब होने कारण थे, पानी जो ज़्यादा बढ़ने कारण थे, वहाँ का जितना भी ज़मीन वमीन गिर के मछली मराया बोला, बहुत ज़्यादा मराया बोला। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी चौचा चौथा जो नाला है उसमें प्लीज़ मछली को जाने दीजिए और उसमें जाल मत मारिए। आप सबको मेरे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई भैया का नाते, भाई का नाते, एक बेटा का नाते, एक माने जो भी हो अपना रिलेटिव का नाते, आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सिपा का लोग हैं, जितने भी नाला हैं उसको जाल मत मारिए, मछली को बंद मत कर दीजिए, मछली को जितना हो सके बचाने के लिए कोशिश कीजिए। और आज से एक साल पहले जब एक बार कमिंग में जब फ्लड आया था, और आज से 2 साल पहले जब कमिंग में फ्लड आया था, तो उस समय में भी सारा मछली मिला है, लेकिन हम लोग एक ग्रुप हम लोग ऐसा था कि हम लोग बहुत मछली को बचाए, हम लोग नहीं ये बोल रहे थे 7,000-9,000 मछली को, हम लोग इतना सारा मछली को बचाए, मैंने काउंटलेस हम लोग मछली बचाई है, हम लोग किसी को नहीं बता के वो नीचे जाके छोटा नाला को जितना नाला है साफ करके हम लोग पूरा पत्थर रख दे के वहाँ में मछली को उड़ने दिए, कुल के मछली को पूरा उड़ने दे के मछली को हम लोग बचाए, बहुत मेरा दोस्त ग्रुप था। अभी समय में हम ईटानगर में है, उसका कारण हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, और आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सब वहाँ में छोटा छोटा नाला को बंद करके मछली मरना शुरू करेगा तो फिर मछली लोग का खत्म ही हो जाएगा। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता है, जितना हो सकेगा नाला में मछली उड़ने दीजिए और जितना हो सकेगा मछली को भी बचाने के लिए कीजिए, यह हम लोग का फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है। और मैं जितने भी घर का अभी समय में सुनने में आए कि सिपा में बहुत सा घर को नदी ले गया है, मैं बहुत दुख हूँ और मैं उनके साथ हूँ हमेशा। और एक बात आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट उसका टीम होता है, उसका ऑफिस होता है, उसमें जो आदमी का घर जाता है, घर जलता है, उसमें हमेशा आप लोग याद रखना चाहिए कि 1,03,000 रुपये मिलता है। तो हमारा कुछ लोग ऑफिसर और नहीं देता है, लेकिन हमारा जो अभी सेपा का जो ऑफिसर है कले खेणा, वो बहुत ही अच्छा ऑफिसर है, मैं मानता और जानता है उसको, हम पर्सनली जानता है, वो कभी गरीब आदमी का, कभी तकलीफ आदमी का पैसा नहीं खाता है, वो एक मेरा फेवरेट ऑफिसर है कले खेणा, और हम उसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और शायद इस कमिंग का कोई ऑफिसर में बोले गिना चुना हम रेस्पेक्ट करते हैं, उन में से वो एक है जो हम बहुत रेस्पेक्ट करता है। और आप लोग को हम एक रिक्वेस्ट करता है कि एक कले कोणा को आप लोग कल भी जाके जो जो गढ़ जो नदी में चला गया है या लैंड स्लाइड होकर गिरा है, वो एक बहुत अच्छा ऑफिसर है कले कोणा, वो अगर आप लोग उसमें गढ़ में भी मिलने जाने थे जा सकता है, ताइवान में है, और ऑफिस जो आप लोग पता होगा जो डूदा ऑफिस का जस्ट सामने में है, तो आप लोग ऑफिस में जाइए और साइन कीजिए, और वहाँ से आप लोगों को कुछ इमरजेंसी के लिए राहत के लिए कुछ सामान देगा, और अगर तकलीफ हो, बहुत प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ शायद मैं भी कुछ मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम भी मदद करने के लिए, या आपका घर बनाते समय में या कुछ दक्षी बर्तन, अभी जब जैसे ही रास्ता खुलेगा, यहाँ का रास्ता खुलेगा, हम भी सिपा आ जाएगा, हम भी ट्राई करेगा कि हम भी आप सबको मदद करने के लिए, चाहे मेरा कुछ भी ज़मीन जगह जो बिक्री करना हो, जो भी बिक्री करके भी, जैसे करके भी, हम भी आप सबको मदद करेगा, हम ट्राई करेगा। और अभी समय में हम लोग दो चीज़ का बचाना बहुत ज़रूरी है, आप मछली को प्लीज़ बचाइए और हम लोग का जो लाइफ है उसको सेफ रखिए। और मैं जितने भी यंग जनरेशन है वहाँ में मेरा भाई लो है और जो छोटा छोटा लड़का लो, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नदी का सामने आप लोग जाके ड्रग्स बांग वांग करके मत बैठिए, अभी समय में जब भी गिर सकता है और जब भी नदी आ सकता है, और नीचे में जहाँ कटिन का नीचे में बैठ के आप लोग प्लीज़ ड्रग्स रख मत पिए, अभी समय में बारिश है और बहुत हम लोग का इस कमिंग बहुत खराब हो रहा है, आप लोग भी देखा है। और मैं इंटर अरुणाचल से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्रार्थना कर दीजिए, अभी हमारे इस कमिंग बहुत तकलीफ में है, और मैं हम लोग का जो उड़ने जगह कॉलोनी का पुराना इंटर न्यू सेपा का जो रास्ता जाता है वो भी टूट गया बोला है, गिर गया बोला है, और हम सभी से इंटर अरुणाचल जितना भी मेरे व्यूवर्स है, हम सभी से आप लोग प्लीज़ प्रार्थना कर दीजिए और अपने लिए भी प्रार्थना कर दीजिए जो डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, लेकिन जो अभी समय में हमारे इस कमिंग में जो हालत हो रहा है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, शायद इस कमिंग जो ये 2 times हो गया है, और जब पिछले 11 वाला साल में भी कमिंग नदी ऐसे गंदा होने कारण से बहुत सा गंदा हुआ है, तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कमिंग के लिए प्रार्थना कर दीजिए। और जितना भी घर अभी समय में घर पानी ले गया है या लैंड स्लाइड हो गया है, सिर्फ और इंटायर
इस कमिंग का नहीं बुक इंटर अरुणाचल का को हम आप सबसे रिक्वेस्ट करता है कि इंटर अरुणाचल में आप लोग जब डिजिटल मैनेजमेंट में फंड आता है हमेशा एवरी ईयर्स जो आदमी घर गिरता है लैंड स्लाइड होकर ले जाता है और जो घर आग जलता है उसको 1,03,000 मिलता है। अभी थोड़ा बढ़ भी गया होगा। तो मैं उन ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ उन ऑफिसर लोग उस गरीब आदमी का उस घर आने वाले का तकलीफ समय में प्लीज़ आप लोग उसका पैसा मत का दीजिए। मेरा स्कैमिंग में पहले नहीं मिलता था, स्कैमिंग में पहले हमेशा मेरा खुद का घर लैंडस्लाइड होके गया 2014 में मेरा घर खुद घर का घर लैंडस्लाइड मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। हमको एक बैग चावल दिया है हम नहीं माने, लास्ट में देखा है तो मेरा नाम से कैसे करके पैसा ड्रॉ किया है ना क्या पता नहीं, लास्ट में हम लोग का नाम से पैसा आया है बोला है लेकिन हम लोग को तो मिला नहीं है। और तो उसके बाद हम अभी पता चला है कि एवरी ईयर जिस समय से मेरा ये क्ले हुआ वो एक ऑफिसर है और उस समय आने के बाद हमको पता चला है कि जो आदमी घर आग जलता है जो लेंथ लेट होकर घर दब जाता है उसको 1 लाख ज़्यादा पैसा मिलता है। तो गवर्नमेंट तरफ से मिलने वालों को प्लीज़ जितने भी इंटर अरुणाचल का ऑफिसर थे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मत कर, किसी का बड़ुआ लगेगा आप लोग मत कर दीजिए। और या किसी इंजोर होता है उस घर का समय में इंजोर होता है तो उसको अलग से मेडिकल से मिलता है। तो मैं उन सभी को आपको बताने के लिए था और स्कैमिंग के लिए आप लोग प्रार्थना कर दीजिए। और मेरा स्कैमिंग अभी बहुत मुसीबत में है और जितने भी सारे अरुणाचल हम लोग एक साथ है भाई भैया है हम सब एक साथ मिलजुल के रहना है। और जितने भी स्कैमिंग का जितने भी नदी सामने में गढ़ है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अलर्ट रहिए। अगर आप लोग को बहुत प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम होता होगा। एक मेरा छोटा सा घर है न्यू सेपा में उसका जस्ट ऊपर में पूरा प्लान है और मेरा घर में पूरा टैंक वगैरह पूरा ट्रिपल पूरा अवेलेबल है, टैंक भी अवेलेबल है। और प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके मेरे घर का ऊपर में वहाँ प्लान जगह में आप लोग रह सकता है। अगर आप लोग को टैंक चाहिए या ट्रिपल चाहिए आप लोग रहने के लिए मदद के लिए चाहिए तो प्लीज़ मेरा घर जाके वहाँ में ट्रिपल और टैंक अवेलेबल है आप लोग लेके वहाँ में यूज़ कीजिए, यूज़ करके मेरा घर में वो कर। लेकिन जो आदमी अगर घर का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ वो बेकार में टैंक लेके और ट्रिपल पर लेके वहाँ में प्लीज़ माने इसे घूमना फिरना नहीं है क्योंकि ये हम दुख तकलीफ के लिए स्पेशल बोल रहे हैं। हम आपको कुछ मदद इस कमिंग आप सबको हम कुछ मदद नहीं कर पाते शायद आप लोग का प्यार का कारण थे और आप लोग का प्रार्थना दुआ कारण थे शायद हमको भी एक दो आदमी जानता है और शायद आप लोग का प्यार है लेकिन हम आप सबको कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी समय में अरुणाचल में बहुत गर्ना हो रहा है, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपना घर में रहिए और सेफ्टी रहिए और हो सके तो सुरक्षा रहने के लिए ट्राई कीजिए खाने पीने के लिए ये खाने पीने के लिए घर में लेके रखे अच्छा से आप लोग भेजिए। मैं आप सबको फिर जानकारी देना चाहता हूँ जितने भी लास्टली आप लोगों को बता रहे हैं जितने भी घर में लैंड से लेकर घर चला गया वगैरह को गवर्नमेंट तरफ से 1 लाख रुपया मिलता है, डिजिटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ से मिलता है लेकिन फटाफट नहीं मिलेगा। आपको पहले चावल देगा, बर्तन देगा, कपड़ा देगा थोड़ा टेम्प्रोली के लिए और जब आता है बिल आता है तो 1 लाख रुपया मिलता है। तो आप उसको 1 लाख रुपया को गवर्नमेंट को प्लीज़ मांगना और जो आदमी नहीं देता है तो ऑफिसर को हमको बताना, उस ऑफिसर को हम भी खुद बात कर लेगा। यह आप सबको मैं एक डिटेली बता रहा हूँ और मैं अभी आप लोग सब कुछ देख लिया कि हमारा अरुणाचल अभी बहुत प्रॉब्लम है कि लैंड स्लाइड हो रहा है हर जगह पर, हर जगह ईटानगर में बहुत जगह में हो रहा है। तो सब सेफ्टी रहने के लिए ट्राई कीजिए क्योंकि अभी समय में अरुणाचल के लिए शायद बहुत खराब दिन आ रहा है। उसके लिए हम लोग इंतजार वाला को हम लोग क्या करना है, हम लोग हमेशा को रेडी करना है, हम लोग उसके लिए तैयार करना है। तो ये है। और दूसरी बात ऐसा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करता है कि हर जगह में बहुत सा जगह में लैंड स्लाइड हो रहा है और अभी जो घर गिर रहा है या जो भी हो रहा है मैं प्लीज़ सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी को आप लोग देखभाल कर दीजिए उन सभी के जितना भी घर गिरा है जितना भी लैंड स्लाइड हुआ है केटी चला गया जो भी हो सरकार से मैं अपील करता हूँ कि आप सबसे हाथ जोड़ के सरकार से अपील करता हूँ कुछ कुछ चीज़ को अगर आप अच्छा काम अभी करेगा तो सच बात बता रहे कि पब्लिक आपको मानेगा। जो घर गिरा है घर चला गया, किसी का केटी चला गया, किसी का बागान चला गया, प्लीज़ सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस चीज़ को आप सीरियसली लेके इम्पोर्टेंट लेके सीरियस लेके प्लीज़ इस चीज़ को जिससे होने से भी ये काम को कर दो करके आप लोग इसको ये क्या बोलते हैं वो
जैसे भी पब्लिक का जो नीड है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर देना। अगर सरकार ऐसा करेगा तो पब्लिक हम लोग हमेशा आपके साथ होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कभी छोटा छोटा चीज़ से हम लोग का माने गुस्सा जो बढ़ते जाता है, छोटा छोटा चीज़ से। इस छोटा छोटा चीज़ को आप लोग के लिए बहुत छोटा है, लेकिन हम सब गरीब आदमी के लिए, हम सब तकलीफ आदमी के लिए वो बहुत बड़ा है। उस चीज़ को आप लोग सोच समझ कर काम कर देना। सरकार को भी हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, तकलीफ समय में आप लोग भी पब्लिक का साथ रहना, और जब आप लोग होगा हम लोग पब्लिक का साथ रहेगा, आपका साथ रहेगा। तो आप सबसे मैं वो करता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।